हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन फ्लैम्बोयंट क्लासेस। आज हम 12th क्लास के फ्लैमिंगो की बुक का सेकंड पोयम करेंगे, जिसका नाम ही है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। वन मार्क के लिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के बी पोर्शन में पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड पोएट। सो एक ख्याल रखें कि ज्यादातर स्टूडेंट्स दे लव टू राइट इन अ रॉन्ग वे। ज्यादातर स्टूडेंट वो ये लिखकर एग्जाम में आते हैं, 80% स्टूडेंट का ये कमिट होता है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम वो एग्जाम के अंदर लिख के आते हैं। तो आप वन मार्क के लिए सबसे पहले इसको जरूर ध्यान में रखें कि आप राइमिंग करते वक्त इसको मिस करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, ना कि क्लासरूम इन अ स्लम है। पोएम को लिखने वाले स्टेफन स्पेंडर है, स्पेलिंग में कोई इश्यू नहीं है। जिनका बहुत ज्यादा इंग्लिश वीक है वो बच्चे पीएच को एफईएन लिख कर आते हैं, बल्कि यहां पर स्टेफन स्पेंडर के अंदर पीएच का यूज करा गया। आपको दो बातों को और समझना पड़ेगा इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले कि इस पोएम का थीम क्या रखा है। पोएट स्टेफन स्पेंडर ने रियल कंडीशन को दिखाया है, द बैड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्लम एरिया। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन देयर प्रिविलेज टू स्टडी एंड टू मेक देयर फ्यूचर मोर ब्राइटर एज कंपेयर टू दिस वन। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इस पोएम को इस कंसेप्ट से लिखा गया है। ये पोएम का जो कंसेप्ट है ना सिर्फ फॉर द एग्जाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैंजा और एक्सट्रैक्ट, बट ऑल्सो आपकी काफी मदद करेगा आपको व्यू को क्लियर करने के लिए आर्टिकल राइटिंग के अंदर, स्पीच के अंदर, या फिर एडिटर लेटर को लिखते वक्त। यहां पर काफी सारे मैटर्स को देगा। इस पूरी पोएम को स्टेफन स्पेंडर साहब ने 4 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करा, जो आपके आर्टिकल, स्पीच और एडिटर लेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं हाईलाइटेड कर दूं कि इसके हर एक पैराग्राफ को हम आर्टिकल राइटिंग की तरह ही समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर व्हाट, सेकंड में कॉज इफेक्ट, एंड देन सजेशन को भी इन्होंने लाइमलाइटेड करा है इस पूरी पोएम के अंदर। तो आप गाइस, आई होप सो आप सब इसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। बट सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है व्हाट डज मीन ऑफ द एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो है 5th स्टैंडर्ड तक जो होता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल, और 5th के बाद 6 to 8 क्लास तक जो होता है उसको कहते हैं हम 8th क्लास तक के लिए एलिमेंट्री स्कूल। अब आपको समझना होगा एलिमेंट्री स्कूल मीन्स व्हाट। एलिमेंट्री स्कूल मीन्स, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाते 6 to 8 क्लास के बीच में। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है द बेसिक एजुकेशन। तो ये आपको जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि इस पूरी पोएम के अंदर जो स्टेफन स्पेंडर साहब ने बात करी है वो बेसिक एजुकेशन को लेकर बात करी है, जो हमें 6 to 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है। तो कंडीशन दिखाना चाहते हैं वो एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और वो भी कहां पर? स्लम एरियाज के अंदर। अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम सब वेल नोन है अबाउट दिस फैक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 5 स्टार और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, हाँ हालांकि कुछ चीजें इंप्रूव करी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें ऐसे सिचुएशन को देखना पड़ता है। लेकिन जब हम उन स्कूल की भी बात करते हैं स्लम एरिया के अंदर, झुग्गियों के अंदर जब हम बात करते हैं, तो उन स्कूल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसको स्टीफन स्पैंडर ने जाकर हाईलाइटेड करा है इस पूरी पोएम के अंदर। उन्होंने अपने व्यू को कंसर्न करते हुए दिखाया है किस कंडीशन को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले पोएम के नेम में हमें उस मीनिंग को समझना पड़ेगा कि वो दिखाना चाहते हैं क्लासरूम की हालत जो कि स्लम एरिया के अंदर पाई जाती है, और वो भी उन बच्चों के लिए 6 to 8 मींस बेसिक एजुकेशन। कोई रॉकेट साइंस वाले एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, वो बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर वहां पर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है, क्यों है, और उसके क्या इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। तो अभी हमने यहां पर आज के लिए फर्स्ट पैराग्राफ को कवर करने का प्लान करा है। फर्स्ट पैराग्राफ को आप लोग फोकस करेंगे, मैं आपके लिए इसे बताने की स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले लिखा है इट्स अ फार फार फ्रॉम गस्टी वे, फार फार फ्रॉम गस्टी वे। फार फार, फार मीन्स होता है दूर, दूर बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वे। वन मार्क का आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड दी पोएटिक डिवाइस। आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक लास्ट वीडियो का इसमें डाल दूंगा। वहां पर हमने पोएटिक डिवाइसेस को कवर करा है। पोएटिक डिवाइसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड हो तो दैट इज रिपीटेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करा है? वेरी गुड, रिपीटेशन का इस्तेमाल यहां पर करा गया। लेकिन अगले ही वर्ड के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, इट्स अ फार फ्रॉम, जब एक ही लेटर दो कॉन्सिक्वेंट वर्ड के अंदर रिपीट करा जाए और वो वॉवल साउंड रखता है, तो डैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है, देखिए यहां पर भी एफ और एफ दोनों आपस में रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है. इट्स अ फार फार फ्रॉम गस्टी वेव, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव, फार फार दूर बहुत दूर, किससे दूर, गस्टी वेव से दूर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गस्टी वेव, गस्टी वेव को जनरली हम कहते हैं ब्रीजी वेव्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीजी वेव्स, देखिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ब्रीजी वेव्स क्या होता है. हमारे पास मॉनसून का जो सेशन चलता है वो कुछ ऐसा चलता है कि जो हमारा एक कोस्टल एरिया होता है यहां से हमारे पास एयर एवोपरेट होती है, वो प्रेशर को वैक्यूम करती है, प्रेशर को बढ़ाती है और उसके बाद वो इस तरफ को मूव करती है. तो जिसकी वजह से जो एक कोस्ट एरिया होते हैं ना, इन कोस्ट एरिया के अंदर जो है हमें तेज हवा का एहसास होता है. यहां पर तेज हवा मीन्स व्हाट, द रियल कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्ल्ड. यहां पर तेज हवा का मतलब है, गस्टी वेव का मतलब है, गस्टी वेव को विंडी वेव भी नाम देते हैं, विंड, विंड मीन्स तेज हवा, और यहां पर तेज हवा का मतलब है द कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको स्टीफन स्पेंडर ने क्या खूब कंपेयर करा है, उस तेज हवा से दुनिया के तेज कॉम्पिटिशन को कंपेयर करा है. और वो कहते हैं कि उस तेज गस्टी वेव नहीं पढ़ेंगे हम, इसे कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, कि उस कॉम्पिटिशन से दूर, बहुत दूर है, किसकी बात करी जा रही है, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की बात करी जा रही है. किन बच्चों की बात, पोएम की थीम के ऊपर चलिए, किन बच्चों की बात, जो बच्चे बैठे हुए हैं, कहां पर बैठे हुए हैं, उस क्लासरूम के अंदर जो स्लम एरिया के अंदर है. कौन सी क्लासरूम, जहां पर बेसिक एजुकेशन को भी प्रोवाइडेड अच्छे तरीके से नहीं करा जा रहा है. तो स्टीफन स्पेंडर हाईलाइट करना चाहते हैं, फार फार रिपीटेशन का एग्जाम्पल है, फार फ्रॉम एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, गस्सी वेव का मतलब यहां ब्रिजी या फिर विंडी, विंड तेज हवा. These children's faces, इन बच्चों का चेहरा, किन बच्चों का चेहरा, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूब कंपेयर करा स्टीफन स्पेंडर ने, These children's faces like rootless weeds. पहले मैं हाईलाइट कर दूं, like rootless weeds के अंदर आप पा सकते हैं कि this is an example of simile. हमने कवर करा हुआ था, this is an example of simile. Simile का example है poetic device के अंदर, figures of speech के अंदर, like rootless weeds. What do you mean weeds? Weeds का मतलब क्या होता है? Weeds means बेटा जी unwanted. अनवॉन्टेड प्लांट्स मीन्स वर्ट, कि जब हम खेतों के अंदर कुछ फसल उगाते हैं तो उस फसल के आसपास कुछ जंगली पौधे आ जाते हैं, और हमेशा किसान क्या करता है, उनको निकाल देता है, क्योंकि अगर वो वीड्स वहां पर होंगे तो जो मेन फसल है उसके खनिज लवण, उनके मिनरल्स को भी वो अर्थ में से शेयर करेंगे, जिसकी वजह से उस फसल का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा. तो अनवॉन्टेड प्लांट्स मीन्स वीड से कंपेयर करा गया है उन बच्चों का चेहरा, कि जिस तरीके से एक किसान अपने खेत के अंदर वीड्स को, जंगली पौधों को, अनवांटेड प्लांट्स को पसंद नहीं करता, उसी तरीके से इन बच्चों का चेहरा, इन बच्चों का चेहरा भी पसंद नहीं किया जाता है इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के अंदर. किन बच्चों की बात करी जा रही है, वापस थीम पर आइए, किन बच्चों की बात करी जा रही है, उन बच्चों की बात करी जा रही है जो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, उस स्लम एरिया के अंदर जहां पर बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल मींस बेसिक एजुकेशन को भी अच्छे से प्रोवाइडेड नहीं कराया जा रहा है. आई रिपीट, फार फार फ्रॉम गस्टी वे, बहुत दूर है इस कॉम्पिटिशन से वो बच्चे, उनके चेहरों को पसंद नहीं किया जाता है. क्यों नहीं करा जाता, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी इंटरव्यू के अंदर एक ऐसा बच्चा पहुंचता है जो इस स्लम एरिया के उस क्लासरूम से है जहां पर बेसिक एजुकेशन को भी प्रोवाइड नहीं करा गया, मतलब ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डेट पोस्ट, और वो उस इंटरव्यू के अंदर पहुंचा, क्या उसको पसंद किया जाएगा उस इंटरव्यू के अंदर, नहीं, उसको कैसे ट्रीट करा जाएगा, लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, जिसकी यहां, जिसके चेहरे को यहां अनवांटेड मतलब कोई पसंद नहीं करता है. और रूटलेस क्यों कहा, आप कुछ जंगली पौधों को उखाड़िए और गस्टी वेव्स में रखिए, मतलब विंड में रखिए, क्या होगा, वो एक ही हवा के झोंके में उड़कर चले जाएंगे. ये बच्चे भी वैसे ही हैं कि अगर ये कॉम्पिटिशन में जाने की कोशिश भी करते हैं तो वहां ठहर नहीं सकते, एक ही झोंके में ये भी साफ हो जाएंगे. तो स्टीफन स्पेंडर कंडीशन को, व्हाट को हाईलाइट करते हैं, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द एजुकेशन क्वालिटी, द बेसिक एजुकेशन इज नॉट दैट मच क्वालिटी फुल विच मच कुड बी प्रोवाइडेड इन द स्लम एरियाज. उसको हाईलाइटेड करते हुए कहते हैं कि इसी वजह से दीज चिल्ड्रन आर अनवॉन्टेड इन दिस सोसाइटी. व्हाई दे आर अनवॉन्टेड, बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल, दे हैवंट एनी स्टैंडर्ड, दे आर नॉट गेटिंग अबाउट देयर प्रिविलेज, so they do not have any option. And here's a description how they look like. Their hair torn around their pallor,
देयर हेयर, हेयर इन द सेंस टॉन अराउंड, टॉन के लिए यूज करा बेटा जी, दैट इज अनकैप्ड और अनटाइडी. अनटाइडी इन द सेंस कहता है कि इनके जो बाल है ना वो अनटाइडी है, खुले हुए हैं, मैटी हैं, जिनको बांधा नहीं गया है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, वो भी कहां, ऑन देयर पैलर फेस. पैलर सीबीएसई में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलर. पैलर इन द सेंस येलोइश फेस, उनका चेहरा जो है बिल्कुल कमजोरी उनके चेहरे पर, जैसे उनके अंदर कोई भी लाइक अंडर नरिस्ट, माल नरिस्ट, उनके फेस के ऊपर वो बाल बिखरे हुए हैं. उन बालों को हाईलाइटेड करते हुए कहते हैं कि देयर हेयर, उनके बाल जो है बंदे नहीं, वो खुले हुए हैं. उनका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, वो कैसे दिखते हैं, उनके बाल खुलकर उनके फेस के ऊपर आ रहे हैं. देयर हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, टॉर्न अराउंड इन द सेंस अनकैप्ड, खुले हुए हैं और वो बिखरे हुए, कहा उनके पैलर फेस, पैलर फेस इन द सेंस उस पीले पड़े हुए फेस के ऊपर. एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया गया एक लड़की का, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हैड. तीन रीजन, चार रीजन इसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे. सीबीएसई में अक्सर ये पैराग्राफ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और वो आपसे ये जरूर पूछता है कि वाई द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है जिसका वेट डाउन हेड है, सिर झुका हुआ है, और क्यों झुका हुआ है. जिसके पीछे चार बेसिक रीजन आते हैं, आपको जरूर ख्याल रखने चाहिए. नंबर वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर टू डिसीज, नंबर थ्री वीकनेस, और नंबर फोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिप्रेशन. She is depressed about the future and she cannot maintain herself in the society. That's why she is having that kind of problem. And the Stephen Spender highlighted the situation of that classroom in which he just preferred to mention everything what he observed in the world. And that related that ki is tarike ke bachche, kis tarike ke bachche, their hair torn around their pallor, jinke chehre pe baal bikhre pade hain, they don't know anything about themselves. The tall girl with weight down head, उसका सिर झुका है, क्यों झुका हुआ है, चार वजहों से. और जिनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, दे आर फार फार फ्रॉम द स्टीरियस, और उनका चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है. कैसा कंपेयर करा गया है, अनवॉन्टेड, वीड्स की तरह. जैसे किसान पसंद नहीं करता जंगली पौधों को, वैसे ही इनको भी सोसाइटी के अंदर कोई पसंद नहीं करता. उसके बाद हाईलाइटेड करा गया है एक लड़के को जो पूरे सोसाइटी को हाईलाइटेड कर रहा है, सबके लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है, द पेपर सीमिंग बॉय. उस लड़की की तारीफ में, उस लड़के के तारीफ में मेटाफर, मेटाफर के यूज करा है. एक्चुअली वो तारीफ नहीं करे, वो दिखा रहे हैं. इसके लिए आप दूसरा वर्ड याद रखेंगे, स्किनी. स्किनी दिखाया गया है, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा दुबला पतला. मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं लिंक के अंदर, मेटाफर का एग्जाम्पल दिया था और मैंने लिखा था पेपर सीमिंग बॉय, जिसका मतलब ही होता है पेपर जैसा. जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करा जाए लेकिन दोनों के बेसिस गलत हो, तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल होता है. जैसे लड़के को कंपेयर करा गया है पेपर के साथ, और पेपर और लड़के को अगर दोनों को वेइंग मशीन पर एक साथ रख दिया जाए तो उनका मैच नहीं है, तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल है. वो क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, स्टीफन स्पेंडर क्यों दिखा रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स लड़का जो है बहुत दुबला पतला है, बहुत थिन है, माल नरिस्ड है, अंडर नरिस्ड है, ऐसा दिखाना चाहते हैं विद रेड साइज. अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. मेटाफर का एक और एग्जाम्पल है विद रेड साइज. रेड साइड क्यों, रेड आइज क्यों कहा गया है, क्योंकि रैट की जो आइस होती है उसमें हंगर ग्लीम्स, हंगर ग्लीम्स इन देयर आइज, उनकी आंखों में जिस तरीके से भूख होती है, वैसे स्लम एरिया के इस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए सभी लड़कों के आंखों में वो भूख नजर आती है. ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इनको खाना नहीं मिला. दे आर एमिशिएटेड, वो एमिशिएटेड नजर आते हैं उनकी हालत के ऊपर. दे आर इन वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. इवन नॉट दे आर बींग प्रोवाइडेड द गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और नाइदर दे हैव अ प्रॉपर मेंटेनेंस, दे आर द स्टंटेड. अगला ही वर्ड यूज करा है, द स्टंटेड. स्टंटेड इन द सेंस अंडर नरिस्ट, अंडर नरिस्ट, या माल नरिस्ट भी यूज करते हैं हम, जिनकी बॉडी का, जिनके शरीर का विकास नहीं हुआ है, कुपोषित जिसे हम कहते हैं. कि ये बच्चे कैसे नजर आते हैं, कुपोषित नजर आते हैं. अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी हायर. आई गेस कि आप लोगों को हायर का मीन पता है, हायर इन द सेंस उत्तराधिकारी, विरासत में जिसको जो मिलेगा. लेकिन यहां के बच्चों को अनलकी हायर कहा गया है. क्यों कहा गया है, क्योंकि किसी को विरासत में क्या मिलती है, तीन चीजें, मां बाप की कमाई हुई धन, उनकी दौलत, और वो रिस्पेक्ट जो उन्होंने सोसाइटी के अंदर बनाई है. लेकिन इन बच्चों के साथ जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, उनके मां बाप के पास विरासत में देने के लिए ना तो उनके पास वो मनी था,
ना ही वो लैंड था, और रिस्पेक्ट इन स्लम एरिया यू गाइस कैन प्रिडिक्ट अबाउट दैट। तो क्या कहते हैं कि पोएटिस स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि ये अनलकी हायर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं था देने के लिए जिससे ये लकी हायर बन सके। तो इनके पेरेंट्स ने इनको क्या दी, वो जेनेटिक डिसीज जो इनके फैमिली में जा सकती थी, वो बीमारी जो उनके पिता को थी वो मरते वक्त विरासत में इनको देकर गए। देखिए द अनलकी द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन। बीमारी कैसी है? ट्विस्टेड बोन, बोन्स उनकी टेढ़ी है। उस बीमारी को कहते हैं ग्नारल डिसीज, गठिया की बीमारी है जो इसको इसके विरासत में इसके पिताजी ने दी है। विरासत में इनके पिताजी ने इनको दी है ग्नारल डिसीज। आमतौर पर पिताजी जो देते हैं लकी हायर्स को, इनको वो नहीं मिला है। इनको क्या मिला है? अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। इनको ट्विस्टेड बोन्स मिली है, जेनेटिक डिसीज मिली है अपने पेरेंट्स से। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नारल डिसीज, रिसाइट इन द सेंस सुना रहे हैं क्या, फादर्स ग्नारल डिसीज अपने पिताजी की, वो गठिया की बीमारी, उस गठिया की बीमारी की बात करी जा रही है। वो उनको जो डिसीज में मिली है, विरासत में जो मिली है वो डिसीज, उसके बारे में लाइमलाइटेड करते हुए स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि क्लासरूम में बैठा हुआ वो बच्चा जब देख रहा है तो उसको देखकर ही पता चल रहा है कि क्या सुना रहा है। अपने पापा से मिले हुए विरासत में वो चीज दिखा रहा है कि आई एम दी अनलकी हायर ऑफ माई फैमिली, मुझे विरासत में ये मिला। हिज लेसन फ्रॉम, कहां बैठा है वो इस वक्त, बहुत क्रूशियल बेटा जी, कहां बैठा है वो इस वक्त उस क्लासरूम के अंदर। डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? स्टीफन स्पेंडर। कैसे दे रहे हैं? वो भी क्लासरूम में, हाँ वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो क्लासरूम में है तो क्या दिखेगा। तो क्या दिख रहा है? वो बच्चे दिख रहे हैं। कौन से बच्चे? जो कि अंडर नरिस्ड है, माल नरिस्ड है, अनलकी हायर है, पेपर सीमिंग है, रेड्स आईज उनकी नजर आती है। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं स्टीफन स्पेंडर साहब कि इन बच्चों का ना तो फिजिकल और ना ही मेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसके बावजूद भी जब वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो वहां भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर फार फार फ्रॉम इस कॉम्पिटिशन से दूर। क्यों? क्योंकि इस हालत में भी अगर उन्हें एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने के बाद अगर एजुकेशन प्रोवाइडेड होता तो शायद इन फ्यूचर वो अपने लिए कोई प्लेस बना पाते इस दुनिया के अंदर, लेकिन अभी तो इनको कंपेयर करा गया रूटलेस वीड्स, उन जंगली पौधों से जिनकी जड़ें ही नहीं है। अगर एक बार वो कंपटीशन में गए, मींस गस्टी वेव्स में गए, इस रियल वर्ल्ड में गए, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड, इस एक्सक्लूसिव वर्ल्ड के अंदर ये गए तो शायद इनका बचवाना मुश्किल होगा। और इस एक्सक्लूसिव वर्ल्ड के अंदर इनको अनवांटेड कहा गया है, जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। अभी कहां बैठे वो? अभी क्लासरूम के अंदर बैठे हुए, उसको देखकर पता चलता है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को देखकर पता चलता है कि ही इज दी अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग फादर्स ग्नारल डिसीज, अपने पिताजी की गठिया की बीमारी को सुना रहा है। हिज लेसन, अभी क्या चल रहा है? लेसन चल रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, कि वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और क्लासरूम में लेसन चल रहा है। आप लोगों को भी कह रहा हूं, आपको भी फोकस करना चाहिए कि वो अपने क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है और क्लासरूम में उसका लेसन चल रहा है, उसकी पढ़ाई चल रही है, बैक ऑफ द टीम क्लास। बट एक प्रॉब्लम है, पेपर में पूछा जाता है सीबीएसई में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक ऑफ द डीन क्लास? तो डीन क्लास को आप कंपेयर करेंगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो कहां बैठा है। डीम लाइट आप समझते हैं, क्लासरूम में, वो भी क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया, कैसा डीम लाइट है, डीम लाइट मतलब लाइट प्रॉपर नहीं है, और उसके भी सबसे पीछे बैठा हुआ है। ऐसी क्लास जहां लाइट इम्प्रॉपर है उसके पीछे बैठा हुआ है, मतलब उसको पता नहीं कि क्लासरूम में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि पोएट स्टीफन स्पेंडर यही तो हाईलाइट करना चाहते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्लम एरिया, जिसकी वजह से दे आर फार फार फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन, दे आर फार फार फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन। कहां बैठा है? क्लासरूम में। कैसी क्लासरूम में? डीम क्लासरूम में। वन अननोटेड, ऑब्वियस है कि अगर ऑब्वियस सा केस है यार, डीम क्लास के बिल्कुल लास्ट में, एक तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता, उसके लास्ट में बैठा हुआ है, तो ही इज वन अननोटेड। अननोटेड मतलब किसी ने उसको देखा नहीं है कि वो है भी या किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो है भी या नहीं है। वन अननोटेड, स्वीट, बहुत प्यारा, यंग सा लड़का जो डीम क्लास के लास्ट में बैठा हुआ है,
उस क्लास के डिस्क्रिप्शन को स्टीफन स्पेंडर हाइलाइटेड कर रहे हैं फर्स्ट पैरा के अंदर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दिस कि ये बच्चे आर अनवांटेड सोसाइटी में, इनको कोई पसंद नहीं करता. क्यों? क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम गस्ती बेस. कॉम्पिटिशन से तो बाहर है. क्यों नहीं? क्यों कॉम्पिटिशन से बाहर है? क्योंकि कॉम्पिटिशन में आने के लिए चाहिए एजुकेशन. जब इन्हें बेसिक एजुकेशन नहीं मिलता तो ये अपने आप को स्टेबल भी नहीं कर पाते, अपने आप को रूटलेस सा फील करते हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर. उनके डिस्क्रिप्शन के लिए फिजिकल मेंटल स्टेटस नहीं है इंप्रूव्ड. ऑफ द डीन क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. क्लास के अंदर कुछ जो नॉटी स्टूडेंट्स होते ना, वो हमेशा विंडो के साथ वाली सीट पे बैठना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता है, और हर कुछ मिनट बाद वो बाहर देखना पसंद करते हैं. उन्हीं में से एक स्टूडेंट कि क्लासरूम में उसकी क्लास चल रही है लेकिन वो बैठा है एक विंडो के साथ, और वो भी कहा डीन क्लास के लास्ट में, तो टीचर को भी नहीं पता, अननोटेड है, और उसे भी नहीं पता कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. और उसका ध्यान उस क्लासरूम में नहीं है. His eyes live in a, उसकी आंखें कहां है? Live in a dream of squirrel's game. कि उस विंडो के बाहर, जो खिड़की के बाहर जो पेड़ है और पेड़ के ऊपर जो गिलहरियों का खेल चल रहा है, इसका ध्यान उस क्लासरूम को छोड़कर. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room. और बेस्ट वन, अगर इसका आंसर दे दिया मतलब पूरा पैरा क्लियर. बेस्ट वन, अदर देन दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर देन दिस? अदर देन दिस का मतलब क्या है? अदर देन दिस का मतलब है इस क्लासरूम के बदले उनका ध्यान उस विंडो के बाहर ट्री रूम में खेलते हुए स्क्विरल्स के ऊपर. क्लासरूम में क्या है? एजुकेशन. क्लासरूम में क्या है? एजुकेशन. उसका ध्यान कहां है? क्लासरूम में बाहर. मतलब हो गया ना फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. अल्टीमेट कहां पहुंच गया? उस एजुकेशन से दूर. और अगर होता तो क्या कोई फायदा होता? नहीं, उसके बारे में बात करेंगे आगे के इफेक्ट में. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर क्लासरूम में होता तो भी उसको पता नहीं होता क्योंकि ही इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीन क्लास एंड वन अननोटेड. टीचर को भी नहीं पता कि वो बैठा भी है कि नहीं बैठा हुआ है. अल्टीमेट अदर देन दिस कि क्लासरूम में सब कुछ चल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहां है? इस क्लासरूम के बाहर. सो अल्टीमेट हो गया ना फार फार फ्रॉम गस्टी वेव. क्योंकि क्लासरूम में अगर आपका ध्यान नहीं है, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्लासरूम में अगर ध्यान नहीं है तो हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा. हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगा. जॉब नहीं मिलेगा तो लोग सोसाइटी के अंदर क्या कहेंगे? अनवॉन्टेड, रिजेक्टेड, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा. क्या क्लासरूम में उसका ध्यान होना चाहिए? ऐसा कुछ है क्लासरूम में? हाँ, पांच चीजें हैं जो क्लासरूम के अंदर हैं, जो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू वेरी मच. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.